करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 50ों की संख्या में है, एक ही सवाल रिपीटेड करेंगे आप, तो हमको परेशानी होगी आपस में सुनने में। आप सबों के मन में ये सवाल है कि मैंने VRS लेकर के एक राजनीतिक दल का सदस्य बना, ज्वाइन किया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने दल की प्राथमिक सदस्यता हमको दिलाई, तो मैं उस सदस्य की हैसियत से अभी भी जदयू में बना हुआ हूँ, उनके पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मेरे VRS लेने और पार्टी की सदस्यता को लेने से उसको सीधे चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं NDA के साथ हूं, NDA के साथ रहूंगा, और जहां भी पार्टी NDA मतलब नीतीश जी का जहां भी आदेश होगा और भाजपा का, मैं दोनों दलों के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपने प्रभाव का, अपने गुडविल का इस्तेमाल करूंगा। प्रचार में जाने की ज़रूरत होगी तो प्रचार भी करूंगा। अब तो मैं स्वतंत्र हूं और एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पॉलिटिकल आदमी हूं, तो पॉलिटिक्स में सबकी भूमिका निर्धारित होती है। अब पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी और जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निष्ठापूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। जहाँ तक मेरे बारे में आपकी जिज्ञासा होगी तो मेरे बारे में NDA के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है और अपने बारे में कुछ नहीं बोलना। थैंक यू सर। क्या लग रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का दबाव हुआ जिसकी वजह से आपका टिकट कटा, क्योंकि आप पर आरोप लगा कि आपने महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया, शायद ये वजह रही आपको क्या? पहली बात तो ये, वजह तो कुछ भी रही हो, ये बड़े नेताओं के बीच की बात होगी, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सुशांत के मौत के प्रकरण में मैंने जो भी किया उसमें मैंने न कोई गलती की न उसका मुझे कोई अफसोस है। मैंने चार ही काम किया। जब उसके पिता वहाँ की इंक्वायरी से संतुष्ट नहीं हुए